देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई एनसीवीटी एग्जाम को लेके, इसमें ट्रेनी को क्या क्या चीज़ें करनी है और आईटीआई को क्या करना है। एक नया शेड्यूल अपडेट कर दिया गया है जिसमें अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह की डेट जो है 23 जुलाई कर दी है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताऊँगा आगे प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी और ट्रेनी या जो बच्चे हैं वो कैसे अपना हॉल टिकट या अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, कैसे वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें प्रैक्टिकल वाला, साथ ही साथ वो सीबीटी एग्ज़ाम की फ़ीस अपनी कैसे चेक करें कि एक संस्था द्वारा भरी गई है या नहीं भरी गई है, वो परीक्षा में बैठेंगे उनका हॉल टिकट कैसे देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा 16 जुलाई को, पहले 16 जुलाई लास्ट डेट थी इस कुछ एक्टिविटी करने की अभी, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें इसको डेट को कर दिया है 23 जुलाई। 23 जुलाई तक अभी अटेंडेंस अपलोड कर पाएंगे, ये आईटीआई द्वारा की जाएगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब आपके जो 200 नंबर होते हैं एक टर्म के, 100 और 100 200, जिसमें 60% मतलब 120 नंबर टोटल होना ज़रूरी है, अटेंडेंस 80% होना ज़रूरी है। तो ट्रेनी कैसे चेक करेंगे कि भाई उनकी अटेंडेंस उस सेशनल वगैरह के हिसाब से वो एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। अब आप सीबीटी फीस की बात करें, वो भी 23 जुलाई लास्ट डेट कर दी है। इसमें ट्रेनी कैसे, ट्रेनी खुद लॉगिन करके अपनी जो सीबीटी एग्ज़ाम फीस 213 रुपये वो खुद चेक कर पाएगा वहाँ पर स्टेटस पे जाके। अब हम बात कर लेते हैं ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है आपके 1 अगस्त 6 अगस्त के बीच में होंगे और इसके जो हॉल टिकट हैं वो आप 25 जुलाई से आपको हॉल टिकट देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी ट्रेनी प्रोफाइल पर भी देखने को मिलेगा और आईटीआई की लॉगिन पर भी मिलेगा। तब 25 जुलाई को आपका जो हॉल टिकट आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है और आपको कितने समय से कितने टाइम पर परीक्षा हुई, किस डेट में आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, मार्क्स एंट्री और ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल जो होता है 250 नंबर का होता है जिसमें 150 नंबर पासिंग होते हैं, वो नंबर अपलोड किए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा और वो चीज़ें दी हुई हैं। अब सीबीटी एग्ज़ाम की बात कर लें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके भी हॉल टिकट आप 1 अगस्त से डाउनलोड होना चालू होंगे। तो 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त को आप चेक कर लें या 7 अगस्त के पहले पहले आप अपने हॉल टिकट चेक कर लें कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है, किस समय पर है और किस जगह पर है। तो ये आपको 6 अगस्त को पता चल जाएगा। हो सकता है कि आपका 8 अगस्त को एग्ज़ाम हो सकता है, 25-26 अगस्त को भी हो सकता है, अलग अलग मैपिंग आएगी। इसका हॉल टिकट भी आप अपने लॉगिन पर देख पाएंगे। इसके लिए जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 5 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये तो मैंने बता दिया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और सीबीटी एग्ज़ाम का। अब मैं आपको ले चलता हूँ पोर्टल पर, थोड़ा सा पोर्टल आपका जो सिड पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल है, इसमें आपको क्या करना रहता है, ये होम पेज खुला हुआ है स्किल इंडिया डिजिटल, आप एड्रेस बार में देखेंगे .gov.in का होम पेज खुला है। यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क जहाँ बना हुआ है, इधर से आपको जो ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क जस्ट बगल में जो सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर आप जैसे ही जाएंगे तो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सेकेंड ईयर वाले हैं जिनका 2022 में एडमिशन है वो ये सबसे नीचे वाले इस पर क्लिक करेंगे और बाकी के जो फर्स्ट ईयर वाले हैं 2023 के एडमिशन वाले लर्नर या पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड नंबर जिससे PNR नंबर जनरेट हुआ था वो नंबर डालेंगे और उस पर OTP आएगा। OTP डाल के आप आगे आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी तो वहाँ पर आप अपना सीबीटी एग्ज़ाम का हॉल टिकट और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट देख पाएंगे। और साथ ही साथ जो सेकंड ईयर के हैं वो यहाँ पर क्या डालेंगे, अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उनका भी मैं बता देता हूँ सेकंड ईयर वालों को क्या करना रहेगा, वो सिर्फ अपना PNR नंबर क्या होता है आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर R22 वाला नंबर रहेगा आपका, जैसे R22 इस टाइप से स्टार्ट होगा आपका जो फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर था या रोल नंबर था उसमें स्टार्टिंग में R22 इस तरीके से आप लिखेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और सबमिट कर देना होगा। यहाँ से आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी जहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। सीबीटी एग्ज़ाम की फ़ीस स्टेटस आप देख पाएंगे कि आपकी सीबीटी एग्ज़ाम पे की गई है या नहीं की गई है। जब तक आपकी फ़ीस पे नहीं हुई है तो फिर आप आईटीआई में संपर्क कर लें कि आपको एलिजिबल किया है, आप परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये कि ये मैंने बता दिया है।
इस वीडियो में मैंने आपको जो खास खास बातें थी वो बता दी। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आर के दांगी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी हम आपको बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं। और साथियों, इस एग्ज़ाम तक आप चैनल पर जरूर बने रहें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी आपकी चीज़ मिसिंग ना हो। आगे हम वीडियो में बताएंगे किस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी का एग्ज़ाम या थ्योरी का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, कैसे पेपर आता है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सारे साथियों को, जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, ट्रेनीज हैं, उन तक जरूर वीडियो ये पहुँचाएँ जिससे कि वो अपना ये एग्ज़ाम को लेकर अवेयर हो जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।